Welcome back once again, myself Pranshu Kumar Pathak, and in this particular session we will understand how to face fear from interview during your PhD admission or कोई भी interview हो, है ना, any interview. So your positive attitude will always help you. Okay, so first of all I will tell you good luck and all the best for your future interview. I know you have cleared your JAREF or you will clear your JAREF as soon as possible. So JAREF clearing is not a big task because aapne JAREF to kar liya. Now in India you have to choose a good guide, so this is again very challenging task. So I have already uploaded some video regarding how to select a good guide. Okay, so I will put link of those videos also in this context, and in this particular session we will try to understand how to face an interview. How will you face your interview? और आप कैसे, देखो आप MSc student हो, आपने just MSc किया है and you are going for a PhD admission. So ये जो आपसे interview है, it is all about your aura and how you are representing yourself in front of the committee. Okay, so let's start. So सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में रखना है कि there is two outcomes. आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके पास दो आउटकम है, आइदर दे विल सेलेक्ट यू और दे विल रिजेक्ट यू. सो इट इज, आप पीएचडी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, पूरी लाइफ आपकी डिसाइड यहाँ नहीं हो सकती है, समझ में आई बात? तो वेदर यू विल सेलेक्टेड और यू विल रिजेक्टेड, सो अपना माइंडसेट बना के चलना है. मैं नहीं कह रहा कि आप निगेटिव चीज़ों को सोचो, मैं कह रहा कि आउटकम दो ही हैं, या तो आप वहाँ सेलेक्ट होगे या तो आप रिजेक्ट होगे. ठीक है, आप कैसे सेलेक्ट हो गए कैसे रिजेक्ट हो गए हम आप सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश आप भी कीजिएगा. ठीक है, और रियली मैं अभिजीत को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उसने कहा, और सिमरन भी मेरे एक स्टूडेंट है, उसने भी बार बार मुझे कहा. तो अब मैं इस वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ ताकि आपको समझाऊँ कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इंटरव्यूअर वांट टू आस्क फ्रॉम यू, वो क्या चाहते हैं आपसे. तो सबसे पहले आप खुद पे फोकस करने के बजाय आप इंटरव्यूअर पे फोकस करें कि वो क्या आपसे जानना चाहते हैं. ठीक है, अपने आप को ये नहीं दिखाएं कि हम क्या जानते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी मत होइएगा, कंजर्वेशन को फ्रेंडली बनाइएगा और ऐसा बनाइएगा कि अपना अटेंशन उनको खींचना है अपनी तरफ, और पूरी की पूरी जो कन्वर्सेशन है वो आप अपनी तरफ खींचेंगे, पूरे इंटरव्यू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझाने की कोशिश करेंगे, कमिटी इज मोर एडवांस एंड मोर यू नो मोर नॉलेजबल देन यू. सो आपको जितना ज़्यादा आप वहाँ पे अपने आप को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देंगे आप उतना ही फंसते जाएंगे. सो बहुत सिंपली तरीके से आंसर देना है और पूरी अटेंशन अपनी तरफ खींचना है. ठीक है, ये बात आपको याद रखना है. ठीक है, कभी भी ये दिमाग में नहीं लेके चलना है कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दिस इज नॉट योर एंड ऑफ लाइफ. You have cleared JAREF. That is a big task. But now your aura is, you have to be positive. आपको positive रहना ही होगा. Famous Madam Curie जो हैं, उन्होंने कहा था, nothing in life to fear. बस हम उसको समझते हैं, जैसे हम उसे समझते हैं वैसे हम interpret करते हैं. तो आपको चीज़ों को simply समझना है और simply उसे interpret करना है. ठीक है, before giving any answer, just focus on question and try to satisfy the panel and अपने बात को clear रखने की कोशिश करें, and never try to feel, no, you never try to feel you are nervous. बस इतना सोचो, you are giving your best and you will balance your question answer. यहाँ पर देख रहे हैं जैसे इन्होंने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे question और answer को आपको balance करते हुए चलना है ना. जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बैलेंस्ड वे में देना है, ज़्यादा नहीं बोलना है कम नहीं बोलना है. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो पूछेंगे आपसे व्हाई यू वांट पोजीशन. बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप ही क्यों, और कंपनी भी आपसे पूछते हैं व्हाई आई विल हायर यू, हम आपको क्यों लें. और इस बात को आंसर देने से पहले You have to be very focused.
बिना फोकस होकर के जैसे मन तैसे आप चीज़ों को कहने की कोशिश करेंगे, नोबडी विल सेलेक्ट यू. सो ट्राई टू इन्फ्लुएंस द कमिटी मेंबर बाय स्टडिंग अबाउट देम. सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट जो कि पीएचडी करना चाहते हैं, दे मस्ट हैव टू फिक्स योर एरिया. सेवरल टाइम आई टोल्ड सेवरल स्टूडेंट दैट यू हैव टू फिक्स योर एरिया, इन विच बैकग्राउंड यू वॉन्ट टू वर्क. और आई विल टेल यू वन थिंग, जो भी बच्चे जो एकेडमिक प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एमएससी के दरमियान प्रोजेक्ट्स करते हैं, डिजर्टेशंस करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स भी पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है. तो दिस थिंग एड ऑन योर यू नो टेम्परामेंट इन इंटरव्यू. हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं दिखाइएगा, कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिएगा. ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स को कोई नहीं लेना चाहता. तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं बनना है, ठीक है. सबसे पहला, कोई भी स्टूडेंट अगर पीएचडी करना चाह रहा है, सबसे पहले यू हैव टू फिक्स योर एरिया, इन विच एरिया यू वॉन्ट टू वर्क, वेदर यू वर्क इन प्लांट और वेदर यू विल वर्क इन एनिमल बैकग्राउंड. पहले तो ये डिसाइड करो, व्हाट इज योर मॉडल ऑर्गेनिज्म, आप किस मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम करना चाहते हो. प्लांट में भी बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं, आप किस प्लांट पे काम करना चाहते हो. उस रिलेटेड नाउ यू हैव टू सर्च योर यू नो साइंटिस्ट. साइंटिस्ट कैसे सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर पे मैंने बताया था, एच इंडेक्स के बारे में बताया था. और साइंटिस्ट को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम जानते हैं साइंटिस्ट के ऑरा क्या है. 6 to 7 साइंटिस्ट यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. गुड साइंटिस्ट के बारे में सिर्फ आपको एच इंडेक्स नहीं बताएगा कि एच इंडेक्स से आपको साइंटिस्ट के बारे में पता चलेगा. वेन एवर यू रियली कन्फाइंड अबाउट योर साइंटिस्ट, ट्राई टू नो अबाउट देम. उनके रिलेटेड आप पता करने की कोशिश करें, आपके कोई सीनियर हों या सीनियर के सीनियर हों, किसी तरीके से आप उस साइंटिस्ट को अप्रोच करने की कोशिश करें. इफ़ योर साइंटिस्ट इज गुड एंड वेल एनफ एंड टेम्परामेंट इज गुड, इन्फॉर्मेंट इज गुड, देन ट्राई टू ज्वाइन देम. समझ में आई बात. तो ये चीज़ें करना होगा, पहले आप अपनी एरिया फिक्स करो एंड व्हाट यू वांट टू वर्क. एक बहुत अच्छा एसओपी बनाओ. कैसे एसओपी बनाते हैं अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाउ टू राइट ए गुड एसओपी. हम कैसे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं, हम किस एरिया में काम करना चाहते हैं, तो इस पर भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे हाउ टू राइट ए वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एनफ एसओपी. जो एसओपी होता है, एसओपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई जगह इंटरव्यू पैनल में जाएंगे, आपसे रिज्यूम के साथ साथ आपके एसओपी भी मांगे जाते हैं. तो एसओपी भी बहुत ही प्लांट वे में लिखना, अपना एरिया को जरूर करना, साइंटिस्ट को अप्रोच करना, दीज आर द वेल एंड वेरी प्रिज्यूम थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज. ओके, नाउ रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट ऑन योर रिज्यूम एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रिगार्डिंग योर इंटरव्यू. जब भी आप इंटरव्यू देने के जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो सबसे पहले इंटरव्यू देने से पहले मेरा एक पर्सनल सलाह है, या तो आप मिरर के सामने होकर के इंटरव्यू देने की कोशिश करें, या तो अपने फ्रेंड्स की एक कमिटी बना लें. कुछ तो दोस्त होंगे ही आप लोग, तो उनको इंटरव्यू पैनल की तरह समझें कि वो आपके कमिटी मेंबर्स हैं, उनके सामने आप इंटरव्यू दें. और आपके एक ऑरा होना चाहिए, जो भी आप पैनल में बैठो, आप उन तरह से तरह तरह के क्वेश्चन पूछो, प्रैक्टिस करो और एक दूसरे को क्या करो, मोटिवेट करो और ग्रूम करो. दिस इज अनदर वे, ठीक है. एंड जब भी आप आंसर देने की कोशिश करो तो सिंपल आंसर दो. जैसे कि मेरा कहना क्या है कि कोई भी बच्चा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहता है, बेसिक टेक्निक्स को जाने, कैसे प्रोटीन प्योरीफाई करते हैं, कैसे डीएनए आरएनए प्रोटीन में क्या डिफरेंसेज होते हैं, कैसे ये काम करता है, बायो मॉलिक्यूल्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में काम करना चाहते हो तो छोटे छोटे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स आपको आने चाहिए. क्या ब्लास्ट होता है, कैसे ब्लास्ट काम करता है, कैसे क्रिस्पर काम करता है, कैसे आरएनएआई काम करता है, कैसे आरएनए सीक काम करता है, तो दीज थिंग, कैसे डीएनए माइक्रो आरए को एनालाइज करा जाता है. बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक थिंग्स को जानने की जरूरत है. डीएनए आरएनए की प्योरिटी कैसे चेक की जाती है, तो छोटी छोटी बातें हैं. मगर आपको ये चीज़ें बहुत ही टफ लगेगा जब आप इन चीज़ों को सही से सोचेंगे नहीं. तो आपके थिंकिंग स्किल डेवलप होना चाहिए. और बिफोर गिविंग एनी आंसर, लिसन वेरी केयर, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिए और तभी आप आंसर को दीजिए. समझ में आई बात कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं. कि सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए. और जो इंटरव्यूअर पैनल में बैठे हुए हैं, कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं,
उनके माइंडसेट को बदलने की कोशिश करें, वो आप इतना अच्छे से प्लान्ड वे में एक एक बात और एक एक आंसर आप दें कि पूरी इंटरव्यू पैनल आप पर फोकस हो जाए। अपने आप पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको आपको कमिटी फोकस करे, उनको लगे कि नहीं इज रियली वेरी रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, इफ यू विल फिक्स इट आउट देन यू विल डेफिनेटली क्रैक योर इंटरव्यू रिगार्डिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। कहीं पर भी जाइए, इंटरव्यू में छोटी छोटी बातें बहुत असर करती हैं। आप अगर बहुत अच्छे से सुनते नहीं हो, यही दिक्कत होता है कि आप अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो कमिटी मेंबर्स को। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इंटरव्यू में कभी भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आउटकम तो ये वेदर दे विल रिजेक्ट यू वेदर दे विल एक्सेप्ट यू। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, तो मैंने इसको पूरी उसी तरीके से उठा करके यहाँ पे आपके सामने रखा है, बिकॉज ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, मेरे इसमें मेरे सेंटेंसेस मेरे नहीं हैं, बट हाँ ऑफकोर्स दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। पहली बात इन्होंने कहा, प्लीज डोंट बी नर्वस, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। इन इंटरव्यू पैटर्न इज वेरी डिफरेंट एज लाइक इंडिया यूरोप एंड अमेरिका। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इंडिया में झेल लिया ना वो कहीं भी झेल लेगा। इन सिंपल वे द इंडियन वे ऑफ काउंसलिंग स्टूडेंट इज वेरी नो वेरी एडवांस इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्री लाइक यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया यू हैव टू क्रैक जैप। देखो यहाँ पे है ना, लिखा है इन्होंने ही लिखा है कि इन इंडिया देयर इज ए स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग प्रोसीजर रादर देन इन अब्रॉड। अब्रॉड में क्या होता है कि आपने कोई पेपर पब्लिश कर लिया तो उस पेपर से रिलेटेड आपसे काम पूछेंगे, आपने कैसे किया, आपके सीवी से ओरिएंटेड 10 to 15 मिनट में पैनल डिसाइड कर देगी कि वेदर यू यू आर एबल टू वर्क और नॉट। सो योर डिसर्टेशन मैटर्स अ लॉट, बट इन इंडिया स्क्रीनिंग इज रियली वेरी इन अ टफ। कैसे? सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जेआरएफ निकाला। जेआरएफ निकालने के लिए 2 साल बैठे पढ़े, और अगर आप बैठे तो इंटरव्यूअर पैनल सबसे पहले ही पूछेगा आपसे कि आप 2 साल से क्या कर रहे थे। तो आपका जवाब अगर ये होगा कि यू आर जस्ट क्लियर फॉर क्लियरिंग एग्जाम लाइक जेआरएफ एंड ऑल, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो ये चीज़ें कोई आपसे सुनने वाला नहीं, ठीक है? तो ऐसी गलती आपको कभी करना नहीं है, ठीक है? और अगर आप कोई प्रोजेक्ट में हैं या कहीं पे रहते हुए आप अपने जेआरएफ को क्लियर किए हैं तो दैट इज़ गुड इनफ। हमारे हिसाब से वो बच्चा बहुत अच्छा है जो अपने एकेडमिक कैरियर में कभी बैठा ना हो। इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड देन यू आर वर्किंग विद अ साइंटिफिक कम्युनिटीज एज लाइक यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट एंड मीनवाइल व्हेनेवर यू आर एनरोल्ड इन एनी प्रोजेक्ट यू क्रैक योर जेआरएफ। तो ये बहुत ही अच्छा होता है ये, ठीक है? सबसे बड़ी बात कि आप जितना, अगर मान लो आपने कोई पेपर पब्लिश किया है जिस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप ये बताओ जितना पेपर उस टॉपिक पे आप पढ़े होंगे क्या वो पैनल में सारे लोग पढ़े होंगे? नो, बिकॉज जो आपने किया है, जो आपके पास आइडिया है, उसमें आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं हो सकता। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट एनफ रखेगा, इफ़ यू हैव एनी पेपर, यू हैव पब्लिश्ड ए पेपर रिस्पेक्टिव टू योर एरिया, तो यू इट विल एड ऑन योर दिस एडवांटेज इज दैट कि योर सेलेक्शन प्रोसीजर इज वेरी ईजी, क्योंकि जो आपने पेपर पब्लिश किया है, जो आपने पेपर पब्लिश किया उसमें आपके लिखे हुए वर्ड्स हैं, आपने उनको रिप्रेजेंट किया है, यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट। तो मेरे हिसाब से यू आर द किंग ऑफ योर पेपर, सो यू कैन चेंज द होल इंटरव्यू पैटर्न। समझ में आई बात? तो कॉन्फिडेंट रहिए, अपने रिसर्च एरिया को, अपने पोटेंशियल को, टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। और बिफोर सेलेक्टिंग अ पैनल यू हैव टू गो थ्रू गूगल स्कॉलर। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोफेसर होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, उन फैकल्टीज के गूगल स्कॉलर पे जा करके उनके बारे में देखिए, उनके एच इंडेक्स को देखिए, उनकी कितनी रिसर्च टॉपिक्स आ रही, कितने अच्छे अच्छे पेपर आ रहे हैं, साइटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और मैं यहाँ पे भी लिंक एड ऑन कर दूंगा लिंक, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है ना, साइंटिफिक एक्सचेंज ऑफ आइडिया, देन दिस विल बी हैंडी एज यू विल बी प्रिपेयर। तो
if it is a bivalvous interview, then I would suggest to read through your strength. Hope this help you and good luck. तो इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि obviously in India it is very difficult task to screen student like you, क्योंकि आप freshers हो, आपको कोई idea नहीं है. और अगर आपको और भी कुछ जानने की इससे related आप जानना चाहते हैं तो please comment box में आप लिखें ताकि मैं आपको समझाऊं. और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त, कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि यही मेरा ख़त्म हो गया. नहीं, जब आप हारते हो तो बाउंस बैक करो और दुगनी एनर्जी के साथ नेक्स्ट टाइम आप अपने बार को तैयार करो और लड़ाई करो. ठीक है, लड़ना ही तो ज़िंदगी है, लड़ना है ज़िंदगी भर. ठीक है, तो लड़ते रहिए, काम करते रहिए. और अगर कोई और भी चीज़ें जाननी हो तो मेरे टच में रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरे पास है, I will share as much as I can. So thank you so much for watching this, and I will say that attitude is everything. So आपकी attitude ही आपको सब कुछ दिलाएगी. तो अपना attitude focus करके रखिएगा, अपने आप को सही से रखिएगा. कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि ये last है. No, अगर यहाँ नहीं हुआ तो next attempt. Better luck next attempt. Google Pay में अक्सर हम लोग pay करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, scratch करते हैं, कुछ नहीं मिलता है. क्या लिखता है? Better luck next attempt. कोई बात नहीं, फिर से तैयार करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से लड़ेंगे. तो लड़ना जिंदगी भर है. सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. सी यू सून इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. बाय, टेक केयर.